बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मुताला पाकिस्तान नाम का बाब नंबर जो 3 है वो पढ़ रहे हैं और इसका टॉपिक है पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया। तो ग्लेशियर्स के बारे में जो मैं बताऊँ तो मैं आपको पहले अपने लेक्चर में ग्लेशियर्स के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज जो हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो वो है दरिया, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दरिया के बारे में। अगर मैं यहाँ आपको नज़र जी तो मैं बात कर रही थी पाकिस्तान के दरियाओं के बारे में, आज हम पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान के जो दरियाओं का जो निज़ाम है वो किन पर मुनहसर है, तो आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है कि पाकिस्तान में जो दरियाओं का निज़ाम है वो दरिया सिंध और उसके जो मामून दरिया हैं उनमें मशरकी और मगरबी मामून दरिया हैं, जो कि सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और आज़ाद कश्मीर के अलावा बलोचिस्तान के दरियाओं पर मुश्तमिल है, जो हमारे मुल्क की सरजमीन को सैराब करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे दरियाए सिंध और उसके मुआवन दरिया। दरियाए सिंध की अगर हम बात करते हैं तो दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, ठीक है, और जो पंजाब के भी एक बड़े इलाके को सैराब करता है। जो दरियाए सिंध है वो पंजाब के एक बहुत बड़े इलाके को सैराब करता है। और दरियाए सिंध जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये चीन के इलाके जो है तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ अटक तक जो है पंजाब, अटक के इलाके से पंजाब में दाखिल होता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से अटक से पंजाब में दाखिल होता है। और इसके बाद ये जो शुमाल से जनूब की तरफ बहता हुआ सूबा सिंध में दाखिल होता है, यानी ये तिब्बत के मुकाम पर चीन से निकलता है और वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से होता हुआ ये पंजाब में आता है और फिर उसके बाद पंजाब में से जनूब की तरफ बहता हुआ सूबा सिंध में, यानी पंजाब से सिंध की तरफ, यानी जनूब की तरफ से बहता हुआ सिंध की तरफ जाता है, ठीक है। और मठन कोट के मुकाम पर जो है पंजाब के बाकी तमाम जो दरिया हैं वो इससे जा मिलते हैं, यानी अगर हम पानी की सैराबी का दरियाओं का जो निज़ाम उसकी हम बात करते हैं तो जो दरियाए सिंध है जो एक अहम दरिया है हमारा पाकिस्तान में बहने वाला और बाकी तमाम जो दरिया हैं वो इसके साथ जा मिलते हैं और उनका जो निज़ाम है वो भी इसी से मुनहसर है। और यहाँ और उसके बाद जो दरिया सिंध है जो मजीद जो ये आगे बाकी तमाम जो दरियाओं को अपने साथ मिलाने के बाद जो ये बहता है तो वो ये बहरा अरब में जाकर गिरता है, यानी दरिया सिंध जो है बाकी तमाम दरिया सिंध के मुकाम पर बाकी तमाम दरिया इसमें मिलते हैं। उसके बाद जो दरिया सिंध है वो बहरा अरब में जा गिरता है। दरिया सिंध के जो मुआवन दरिया हैं उनमें से अगर हम बात करते हैं तो दरिया सिंध के दाएं और बाएं यानी दोनों तरफ से बाकी तमाम दरिया जो है इसमें मिलते हैं और उनका जो पानी है वो इनमें दरिया सिंध में जाकर गिरता है। और बाएं तरफ से मिलाने वाले जितने भी दरिया हैं वो ज़्यादातर मशरक की तरफ से आते हैं, यानी दरिया सिंध के जो बाएँ तरफ से जो इस दरिया को जो मुआवन दरिया है जो इसके साथ मिलते हैं वो मशरक की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। और मछली की तरफ से बहने के बाद ये बाकी जो तमाम दरिया हैं वो इसको सैराब करते हैं, यानी इसके साथ जो वो मिलते हैं। तो इसके अगर हम दरिया सिंध के जो मुआवन दरिया उनकी अगर हम बात करते हैं जो मछली की तरफ से बहने वाले दरिया हैं तो वो हैं रावी, सतलुज, चनाब और झेलम। ये दरिया सिंध के मशरक की तरफ से इसके साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दरियाए रावी की। दरियाए रावी जो है ये वादिय कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है और ये भारत के इलाकों से बहता हुआ लाहौर के करीब पंजाब में दाखिल होता है दरिया रावी। और पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर दरिया रावी के किनारे, यानी जो पंजाब का जो दारुल हुकूमत है जो रावी दरिया रावी के किनारे आबाद है। नेक्स्ट है हमारा सतलुज। अगर हम इसकी बात करते हैं तो दरिया सतलुज को हमालिया से निकलता है और ये भारतीय इलाकों से बहता हुआ, यानी दरिया रावी जो वो भी भारत से बहता हुआ पंजाब में आता है दाखिल होता है। और दरिया सतलुज जो है ये भी भारतीय इलाकों से बहता हुआ जो है सुलेमानगी के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है, यानी ये दोनों दरिया जो हैं ये भारत से बहते हुए वहाँ से निकलते हुए पंजाब में जो है वो दाखिल होते हैं। और पंजाब के मशरकी इलाके में बहते हुए जो ये दरिया हैं ये पंजाब के बाकी तमाम दरियाओं को दरियाओं के साथ जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है दरिया चनाब। दरिया चनाब जो है ये को हमालिया से निकलता है और मराला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। और इसके अलावा त्रेमों के नज़दीक जो है दरियाए झेलम और दरिया चनाब जो है आपस में जा मिलते हैं, यानी ये दो दरिया जो है दरिया झेलम और दरिया चनाब जो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा दरिया झेलम। दरिया झेलम जो है वो कश्मीर के वादी से निकलता है और वादी कश्मीर से निकलकर ये बहता हुआ मंगला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है।
आपको मैं बताऊं कि हमने पहले भी एक दरिया के बारे में पढ़ा था जो कि कश्मीर की पहाड़ियों यानी वादियों से निकलता है, दरिया रावी, या दरिया झेलम और दरिया रावी, ये दोनों दरिया हैं जो कि वादिय कश्मीर से निकलते हुए पंजाब में आकर दाखिल होते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है मशरक़ की दरियाओं के बारे में जो कि दरिया सिंध के मामा दरिया है जो कि मशरक़ की तरफ से आते हैं और दरिया सिंध में शामिल होते हैं, यानी रावी, सतलुज, चनाब और झेलम, ये हमारे मशरकी दरिया हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मगरबी दरियाओं की, यानी मगरब की तरफ से कौन कौन से दरिया हैं जो कि बहते हैं और वो सिंध में, दरिया सिंध में शामिल होते हैं। तो दरिया सिंध के मगरबी और उनके मामन जो दरिया हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनमें दाएं तरफ से मिलने वाले जो दरिया हैं वो शुमाल और मगरब से बहते हैं और दरिया सिंध में गिरते हैं, और उनमें जो दाएं तरफ से जो बहने वाले दरिया उनमें दरियाए शिवर, दरियाए शकर, गिलगित और काबिल जो हैं वो शामिल है। ये एक अहम पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले दरिया हैं जो कि मगरब की तरफ से होते हुए दरिया सिंध में आते हैं। और इसके अलावा जो है अटक के मुकाम पर अगर हम बात करते हैं तो अटक के मुकाम पर दरिया जो काबुल है, दरिया काबुल दरिया सिंध में गिरता है और दरिया काबुल एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान का दरिया है। और जो अफगानिस्तान से शुरू होता है दरिया काबुल जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान से शुरू होता है और मशरक की तरफ बहता हुआ जो है पाकिस्तान में दाखिल होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके बाकी जी बहुत सारे जो मामन दरिया हैं उनमें दरियाए सवात है, दरियाए कंटर इसके मामन दरियाओं में शामिल है, और दरियाए करम, दरियाए टोची और दरियाए गोमर इसके मगरिब की तरफ से बहते हैं दरिया काबुल के, ठीक है। और ये मगरिब की तरफ से बहते हुए दरिया काबुल के ये जो दरिया सिंध में शामिल होते हैं इसलिए इनको दरिया सिंध के जो मगरिब भी मामन दरियाओं का नाम दिया गया है। और दरियाए सोख जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बलोचिस्तान के इलाके में बहने वाला जो दरिया है और दरियाए गोमर से जाकर मिलता है। और इसके अलावा जो दरिया सिंध का जो मामन दरिया है वो दरिया सोब और जो है वो वाहिद दरिया है जो कि जनूब से शुमाल की तरफ बहता है, यानी दरिया सोब की अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के वाहिद दरिया है जो कि जनूब से शुमाल की तरफ बहता है। और इसके अलावा बहराए अरब है, उसमें भी गिरने वाले दरिया हैं, यानी उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो दरियाए सिंध है ये बाकी तमाम दरियाओं से पाकिस्तान में जितने भी बहने वाले दरिया हैं उनके दरियाओं को अपने साथ मिलाने के बाद, यानी ये बाकी तमाम दरिया जो इसको मामन इसके साथ मिलते हैं तो ये दरिया सिंध में जा गिरते हैं। और दरिया सिंध जो है मैंने आपको जो पहला टॉपिक में बता चुकी हूँ दरिया सिंध और उसके मामन दरियाओं में, कि ये दरिया सिंध जो है ये बाद में बहराए अरब में जो है जाकर गिरता है। तो यहाँ पर मैं बहरा अरब के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि बहरा अरब में जो गिरने वाले बलोचिस्तान के दरिया हैं, बलोचिस्तान के दरियाओं में दश्त, अंगोल, कुराली और हब जो है शुमाल से जनूब की तरफ बहते हुए बहरा अरब में जाकर गिरते हैं। और जो बलोचिस्तान की जो झील है जो जो दरियाओं से मतलब जो बर्फ के ग्लेशियर्स के पिघलने से जो मिलकर बनी थी वो है सबसे बड़ी झील है हमून मशील, यह बलोचिस्तान की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और झील जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लेशियर्स के पिघलने से यानी बर्फ के पिघलने से जो वादियां और जो झीलें बनी थी और फिर इनसे मिलकर आगे दरिया बनते हैं। तो आज का